दिनांक 12/13 सितंबर 2024 की रात्रि में एक सूचना आई थी कि एक थाना रोहटा क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गांव के रहने वाले प्रवेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना ये अर्धरात्रि के बाद की बात थी। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची, जांच की गई और मौके पे कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे थे। मौके पे फील्ड यूनिट गई, उसने जांच किया, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये उससे हमें पर्याप्त जानकारी मिली कि ये गोली दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से चलाई गई है। और वहाँ पे आसपास हमें कुछ CCTV मिले, उनसे जांच की गई और अन्य जो परिस्थित जन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पे ये निर्धारित हुआ कि इनके जो मृतक के पिता हैं नंद किशोर शर्मा, इनके द्वारा एक मकान अपना बेचा गया था जिसमें जो पैसे प्राप्त हुए थे उसमें से करीब 2 लाख रुपये इनके बेटे ने अपने गलत आचरण एवं बुरी आदतों के नाते वो अनाप शनाप खर्च कर दिए थे, जिसको लेकर पिता और पुत्र के बीच में पहले से विवाद होता रहता था। और जिस रात्रि की ये घटना है उस रात्रि के पहले वाली शाम को भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते पिता ने डिसाइड किया कि ये अभी तो ऐसा कर रहा है, उसके बाद हमसे हिस्सा भी मांग रहा है मेरे जीते जी ही, तो ऐसा फिर ये पूरी तरह से नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा खानदान का। इसको लेकर फिर पिता ने डिसाइड किया और रात्रि में इनके पिता के द्वारा ही इनको गोली मार के और इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। अच्छा सर, इसके बात के साथ साथ कोई और भी था शामिल घटना में? फिलहाल जो जांच की गई है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन इन्हीं का नाम प्रकाश में आया है। घर में बहुत कम लोग थे, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है और साक्ष्यों से इन्हीं का नाम प्रकाश में आया है और इनको आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। आप कब से प्लानिंग कर रहा था मारने की? इनके बीच में जो ये विवाद है ये करीब 15-20 दिन से गहराया हुआ था और प्लानिंग तो खैर उसी दिन की थी कि उस दिन इन्होंने निर्धारित कर दिया था कि आज इनकी जीवन लीला को ये समाप्त कर देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।